प्रदेश भर में 9 जिला परिषद की सीट्स पर चुनाव हुआ था, उसमें से 7 में कांग्रेस पार्टी जीती है और लगभग 75 ऐसी पंचायत समितियां थीं जहां पर चुनाव हुए हैं उपचुनाव, और वहां पे लगभग 40 सीटों पे कांग्रेस पार्टी जीती है। तो इतने व्यापक चुनाव हैं, ये लगभग हर जिले में चुनाव हुए हैं। पंचायत समिति जिला परिषद में जो प्रचंड बहुमत मिला है कांग्रेस को, वो कांग्रेस की पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और हमारी पार्टी की विचारधारा के अंदर लोगों का जो समर्पण है, जो लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं, वो अब खुलकर सामने आया है। मुझे बड़ी खुशी है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रदेश की जनता का कि उन्होंने पुनः विश्वास व्यक्त किया है कांग्रेस पार्टी के अंदर और हमारे कार्यकर्ताओं को और जीते हुए उम्मीदवारों को, जिन्होंने सीट निकाल कर आज एक संदेश पूरे देश में गया है कि लोकसभा के चुनाव होने के बाद जहाँ हमको बहुमत नहीं मिला था, भाजपा जीत गई थी, लेकिन आज जो ग्रामीणांचल में चुनाव हुए हैं उस पर लगभग सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती, जिला परिषद की सीटों के ऊपर और पंचायत समिति की सीटों पर भी एक अच्छा बहुमत हमको मिला है। 75 में से लगभग 40 हम लोग सीट जीते हैं और कुछ ऐसे लोग जीते हैं निर्दलीय जो कांग्रेस समर्थित हैं या कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास करते हैं, तो एक अच्छा संकेत है और कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी खबर आई है। सर, राहुल जी को मनाया, ये सरकार का पहला बजट होगा राजस्थान में जो बहुमत दिया है जनता ने भाजपा को लोकसभा के चुनावों में, उसका कुछ फल मिलना चाहिए और प्रदेश की सरकार पूरा सहयोग करेगी जन कल्याण के लिए, राजस्थान की जनता की भलाई के लिए जो भी कदम केंद्र सरकार उठाएगी उसका पूरा सहयोग प्रदेश की सरकार करेगी, लेकिन देखना पड़ेगा कि जो 5 तारीख को बजट है केंद्र सरकार का, उसमें राजस्थान को क्या मिलता है। पार्टी का चुनाव जीतने के बाद ऐसा कुछ प्रदेश की जनता के लिए केंद्र सरकार ने किया नहीं है, बजट में क्या आएगा ये देखने वाली बात है, लेकिन हमारी पार्टी और सरकार लगातार जनहित में जो काम है उसको हम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी जी, जिनको सभी प्रदेश के देश के कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया है कि अपना इस्तीफा वापस लें और दोबारा कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करें अध्यक्ष के रूप में, क्योंकि जो संघर्ष उन्होंने किया है वो सब जानते हैं। चुनाव में हम हारे हैं, कई बार जीते हैं, लेकिन आने वाले समय में जो राजनीतिक चुनौतियाँ हैं उसका सामना करने के लिए राहुल गांधी जी को आगे आके काम, हमारा अनुरोध है उनको, हमने ये CLP की मीटिंग में भी कहा है, PCC की कार्यकारिणी की मीटिंग में भी कहा है और सिर्फ राजस्थान नहीं पूरे देश के लोगों ने इस बात में आग्रह किया है कि वो समय है कि अपना वो मन बदलें, वापस लें अपना इस्तीफा और नए सिरे से अध्यक्ष रूप में काम करें। सर, बजट